ऑस्कर में नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। पांच राज्यों में चुनाव के बाद कल यानी 10 मार्च को मतगणना समाप्त हुई और चुनावी नतीजे सामने आए। नतीजों में बीजेपी चार राज्यों में सबसे बड़ी पार्टी रही। वहीं पंजाब में आम आदमी पार्टी ने ऐतिहासिक जीत हासिल की। देश की सबसे पुरानी पार्टी अखिल भारतीय कांग्रेस पांचों राज्यों में चारों खाने चित हो गई। इसके बाद कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने हार को स्वीकार करते हुए इसका ठिकरा पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह पर फोड़ दिया, जिसके बाद कैप्टन ने भी करारा जवाब दिया है। चलिए इस खबर में आगे बढ़ने से पहले आपको कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला का वो बयान सुनाते हैं जिसमें उन्होंने कांग्रेस की हार का जिम्मेदार कैप्टन अमरिंदर सिंह को बताया है। पंजाब में सरदार चरणजीत सिंह चन्नी जी के रूप में हमने एक विनम्र, स्वच्छ और धरातल से जुड़ा नेतृत्व देने का प्रयास किया, लेकिन सरदार अमरिंदर सिंह जी के नेतृत्व में 4.5 साल की सत्ता विरोधी लहर से नहीं उबर पाए। वहीं सुरजेवाला के इस बयान के बाद पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कांग्रेस को करारा जवाब दिया है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ट्वीट किया कि कांग्रेस का नेतृत्व कभी नहीं सीखेगा। उन्होंने सवाल किया कि यूपी में कांग्रेस की शर्मनाक हार का जिम्मेदार कौन है, मणिपुर, गोवा, उत्तराखंड के बारे में क्या। उन्होंने तंज किया कि इन सवालों का जवाब दीवार पर बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है, लेकिन हमेशा की तरह मुझे लगता है कि कांग्रेस के नेता इसे पढ़ने से बचेंगे। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी पंजाब में कांग्रेस को सत्ता से बेदखल करते हुए 117 में से 92 सीटों पर शानदार जीत दर्ज की है। कांग्रेस के खाते में सिर्फ 20 सीटें ही आई। पंजाब में आम आदमी पार्टी की एक तरफा जीत के बाद कांग्रेस प्रवक्ता ने इसके लिए कैप्टन अमरिंदर सिंह के शासनकाल को जिम्मेदार ठहराया था। रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा था कि पंजाब में कांग्रेस ने चरणजीत सिंह चन्नी के माध्यम से एक नया नेतृत्व प्रस्तुत किया था, लेकिन कैप्टन अमरिंदर सिंह के तहत 4.5 साल की पूरी सत्ता विरोधी लहर को दूर नहीं किया जा सका। इस कारण पंजाब के लोगों ने बदलाव के लिए आपको वोट दिया। एक बार फिर से आप सुरजेवाला के बयान को सुनिए। पंजाब में सरदार चरणजीत सिंह चन्नी जी के रूप में हमने एक विनम्र, स्वच्छ और धरातल से जुड़ा नेतृत्व देने का प्रयास किया, लेकिन सरदार अमरिंदर सिंह जी के नेतृत्व में 4.5 साल की सत्ता विरोधी लहर से नहीं उबर पाए। जनता ने बदलाव के लिए मतदान किया। हम जनता के इस जनादेश को स्वीकार करते हैं और आम आदमी पार्टी श्री भगवंत मान, श्री अरविंद केजरीवाल को मुबारकबाद देते हैं। आपको बता दें कि इस चुनाव में कैप्टन अमरिंदर सिंह भी पंजाब की पटियाला अर्बन सीट से चुनावी मैदान में थे। आम आदमी पार्टी के अजीतपाल सिंह कोहली ने उन्हें 13,000 वोटों से हराया था। कांग्रेस ने नवजोत सिंह सिद्धू के तेवर के कारण चुनाव से 5 महीने पहले कैप्टन अमरिंदर को इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया था। इसके बाद उन्होंने पंजाब लोक कांग्रेस के नाम से नई पार्टी बना ली, भाजपा के साथ गठबंधन कर लिया। इस चुनाव में कांग्रेस राज्य के 117 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ रही थी, मगर उसे हार का सामना करना पड़ा। कांग्रेस को सिर्फ 20 सीटें ही मिल पाई। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी भदौड़ और चमकौर साहिब दोनों ही सीट से चुनाव हार गए। इसके अलावा स्टार नेता नवजोत सिंह सिद्धू भी अमृतसर ईस्ट से हार गए। कांग्रेस की इस हार पर आप क्या कहेंगे, कमेंट करके जरूर बताएं। पंजाब में सरदार चरणजीत सिंह चन्नी जी के रूप में हमने एक विनम्र, स्वच्छ और धरातल से जुड़ा नेतृत्व देने का प्रयास किया, लेकिन सरदार अमरिंदर सिंह जी के नेतृत्व में 4.5 साल की सत्ता विरोधी लहर से नहीं उबर पाए। जनता ने बदलाव के लिए मतदान किया। हम जनता के इस जनादेश को स्वीकार करते हैं और आम आदमी पार्टी श्री भगवंत मान, श्री अरविंद केजरीवाल को मुबारकबाद देते हैं। उत्तर प्रदेश में हम कांग्रेस पार्टी को जमीनी स्तर पर पुनर्जीवित करने में तो सफल रहे, पर हम उस जनमत को सीटों में नहीं बदल पाए। लेकिन कांग्रेस पार्टी
उत्तर प्रदेश की हर विधानसभा में गली कूचे तक पहुंच पाई। हम उत्तराखंड और गोवा में बेहतर चुनाव तो लड़े पर जनता का मन नहीं जीत पाए, विजय के आंकड़े तक नहीं पहुंच पाए। हमारे लिए एक सीख है कि हमें धरातल पर और अधिक मेहनत करने की आवश्यकता है। हमने इस चुनाव को जातिवाद और धार्मिक ध्रुवीकरण के मुद्दों से दूर रख जनता के मुद्दों पर वापस लाने का सतत प्रयास किया। वो चाहे बेरोजगारी हो, वो चाहे महंगाई हो, चाहे वो डूबती अर्थव्यवस्था हो, चाहे वो जनता के समक्ष रोजमर्रा का संकट हो, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो स्वास्थ्य हो, चाहे वो ढांचागत विकास हो। परंतु ये भी सच है कि भावनात्मक मुद्दे जनता की जिंदगी से इन जुड़े इन मुद्दों पर कहीं ना कहीं हावी हो गए। हम चुनाव हारे या जीते, लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस देश की जनता के साथ लगातार खड़ी है। हम जनता के मुद्दों को, महंगाई को, बेरोजगारी को, अर्थव्यवस्था को, शिक्षा को, स्वास्थ्य को, ढांचागत विकास को, इन सब मुद्दों को जिम्मेवारी के साथ उठाते रहेंगे। हम हार के कारणों पर गहन दृष्टि से आत्म मंथन और आत्म चिंतन दोनों करेंगे, संगठन पर काम करेंगे और भविष्य में और बेहतर प्रयास करेंगे। कांग्रेस अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी ने यह भी निर्णय लिया है कि वो बहुत जल्द कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक बुलाकर इन सारे हार के कारणों और पांचों राज्यों के चुनाव पर एक व्यापक अंतर्मंथन कांग्रेस कार्यसमिति करेगी। हम चुनाव परिणामों से निराश जरूर हैं पर हताश नहीं। हम चुनाव हारे हैं पर हिम्मत नहीं हारे। हम कहीं नहीं जा रहे, हम लड़ते रहेंगे जब तक जीत हासिल ना हो जाए और वो जीत जनता की जीत हो। हम लौटेंगे नए बदलाव के साथ, नई रणनीति के साथ। सभी विजेताओं को एक बार फिर दिल से बहुत बहुत हार्दिक बधाई और पांचों राज्यों की जनता को एक उज्जवल भविष्य के लिए बेहतर शुभकामनाएं। I'll say it very very briefly in English and then I'll take your questions. I take this opportunity to extend our felicitations to all the political parties and individuals who have achieved success in the elections to the 5 election going states. In democracy, the decision of people is the ultimate evolution or evocation of their will. And we completely bow before the people's court.